प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमृत सरोवर स्वामित्व योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित कई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने 2300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया और 3 नई रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, पंचायती राज दिवस पर रखा था कार्यक्रम, 30 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों से की चर्चा, रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, 3 नई रेलगाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों को मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास ही पंचायत भवन बनाए गए थे, जबकि उनकी सरकार ने 8 वर्ष के अंदर ही 30,000 से ज्यादा नई पंचायतों का निर्माण करवा चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार के कामों को भी गिनाया। बहनों, बेटियों, माताओं का भी है। हमारे यहाँ एक ऐसी ट्रेडिशन चली, घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था। हमने ये रिवाज बदला है और मालिकाना हक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बने। साथियों, भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पीएम आवास का हर घर लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। यानी भाजपा ने देश में करोड़ों करोड़ों दीदी, करोड़ों दीदी को लखपति दीदी बनाया है। मैं इन सभी लखपति दीदियों को प्रणाम करता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि देश में और कोटि कोटि दीदी भी लखपति बने, इसके लिए हम काम करते रहे। आज भी यहां 4 लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपति दीदी बन गई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर अपने भाषण से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों से पीएम मोदी के 5 संकल्पों पर चलने का आह्वान किया। लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है। मन की बात जरूर सुने, याद रखिए 30 तारीख को 11:45 बजे। बोलिए सब सुनेंगे, जोर से बताइए सब सुनेंगे। और अंत में धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है, ये एक महामानव का सोच है। मित्रों, किस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प, 1 बिजली बचाएं, 2 पानी बचाएं, 3 पेड़ लगाएं, 4 प्राकृतिक खेती करें, और 1 और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की। मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आम जन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं
और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चल के हम अपने प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बैंकों की सुविधाओं में इजाफा होने की बात कही गई और जनधन योजना के तहत गांव के 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाने का दावा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा।